कल सायकाल कानपुर में घाटमपुर के पास एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें 26 जाने गई हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। जो 26 जाने कल दुर्घटना में गई थी, उन सभी का अंतिम संस्कार की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। हमारा पूरा प्रशासन और प्रदेश शासन के मंत्री और जनप्रतिनिधि वहां पर शोक संतप्त परिजनों का संबल बांधने और उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में उनका सहयोग करने के लिए वहां पर हैं। कानपुर नगर से जुड़े हुए हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक गण जो हमारे हैं, इन सभी के साथ कल से ही यहाँ पर पीड़ितों की सेवा में यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। दुखद घटना आज प्रातः भी 3 बजे भी हुई। चकेरी थाना क्षेत्र में विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका उपचार भी यहीं पे मेडिकल कॉलेज में यहां पर हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम उपचार में लगी है, पूरी तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। जिन परिवार वालों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करने, घायलों को देखने के लिए ही मैं और विधानसभा के अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए हैं। परिवार के सदस्यों से हमने बातचीत की है और अपनी संवेदना उन सभी के प्रति भी व्यक्त की है जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों से को खोया है। घटनाएं दुखद हैं। प्रदेश सरकार ने बार बार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर अनेक जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए हैं। कल की दुखद घटना पर देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदना
व्यक्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपए की सहायता दी है और राज्य शासन की ओर से भी इतनी ही सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होते ही ये सभी राशि संबंधित परिजनों को उपलब्ध होगी। मैंने कल भी अपील की थी और इससे पहले भी अपील की थी कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होती है सड़क दुर्घटनाओं के कारण और यह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने अपील की है, आज प्रातः ही मैंने गृह विभाग, सड़क से जुड़े हुए अपने परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बुला करके उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बृहद जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूल कॉलेजेस से लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्राथमिक रूप से ट्रॉली ट्रैक्टर या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। इसके अलावा भी जागरूकता के कार्यक्रम में स्कूल कॉलेजेस से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को इसके साथ जोड़ने, विभागों को इसके साथ जोड़ने और अंतर विभागीय समन्वय से जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है और इस कार्यक्रम को हम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। जन सहभागिता, जन सहयोग और जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में इतनी बड़े पैमाने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौत को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गृह विभाग को, सड़क परिवहन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को और सड़क निर्माण से संबंधित जितनी भी एजेंसियां, इन सबको मैंने कहा कि भाई ये लोग करें कि आखिर कहां पे किन खामियों के कारण ये इस प्रकार की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापक पैमाने पे जन धन की हानि हो रही है। ये सभी घटनाएं हमारे लिए अत्यंत दुखद हैं। सभी पीड़ितों के प्रति, शोक संतप्त परिजनों के प्रति केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी पूरी संवेदना है और सरकारें उन्हें हर संभव सहयोग भी करेगी, लेकिन हमें समाज को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। मैं मीडिया से भी इस बारे में अपील करूंगा कि हम इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। सड़क परिवहन से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों का अगर सभी व्यक्ति पालन करेंगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग जन और धन की हानि को रोकने में सफल होंगे। धन्यवाद।